नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बहुत सारी नीतियों को लिखा है। ये नीतियाँ आदमी के व्यवहारिक रूप से भी बहुत काम आती हैं तथा उसके पारिवारिक जीवन से भी जुड़ी हुई होती हैं। उनमें से एक ये प्रमुख नीति मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो निम्न प्रकार से है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह से प्राणी का जन्म होता है, ठीक उसी तरह से उसकी मृत्यु भी होती है। अतः वो कहते हैं कि इस संसार में जिस प्राणी का जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होनी है, यह एक निश्चित है। फिर इस बात से शोक और दुख इस बात का आप करते हो कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस तरह से रात्रि होने पर अनेक ही जातियों के विभिन्न रंग रूप वाले पक्षी एक ही वृक्ष पर आकर रात्रि को विश्राम करते हैं और सुबह प्रातः काल होते ही दसों दिशाओं की ओर उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बंधु बांधव रूपी कुछ जीव एक परिवार रूपी वृक्ष पर आकर मिलते हैं और रहते हैं तथा आपके इस परिवार में आप आत्मीयता दर्शाते हैं तथा साथ में अपना जीवन बिताते हैं और फिर एक दिन परमात्मा से मिला अपना निश्चित जीवन जीते हैं और जब उनका अंत समय आने पर मृत्युलोक के लिए वो चले जाते हैं। फिर इसमें रोना धोना और शोक किस बात का आप करते हो। ये आवागमन अर्थात उत्पत्ति और मृत्यु, संयोग वियोग तो जीवन का एक नित्य कर्म है। हर मनुष्य को यह एक शाश्वत तथ्य ऐसा है कि जीवन मृत्यु तो निश्चित है। जिस जीव का जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु तो होनी निश्चित ही है, तो फिर किस बात का आप दुख करते हो। अतः आप अपने इस संसारी जीवन में जब आए हो तो कुछ कर्म करने के लिए आप आए हो, तो अच्छे अच्छे कर्मों को करिए और अपना जीवन व्यतीत अच्छे से करिए। यही आचार्य चाणक्य जी का मकसद था कि यदि आपका जन्म हुआ है तो इस संसार में आप आए हो तो अपने बंधु बांधव संसार को कुछ ऐसा करके जाओ जिससे आपका जीवन भी सुखी हो और संसार भी सुखी हो और आपको याद करे कि कोई व्यक्ति था, उसने एक बहुत अच्छा काम करके गया था। जीवन मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। यह आचार्य चाणक्य की बात यदि आपको अच्छी लगी हुई हो तो जिनका भला आप चाहते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।